भगवान श्री कृष्ण ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, उन्होंने किया है, यानी वो करने में विश्वास करते हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि लोग लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, ये वो ज़्यादातर उन्होंने करने का प्रयास किया है। और जब उन्होंने उन कार्यों को किया तो उसको देखकर लोगों को ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान को लोग जब लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो कहलाता है कि भगवान कृष्ण ने कहा है। तो कहने से ज़्यादा करने में विश्वास करने की जो प्रेरणा मिलती है वो श्री कृष्ण से ही तो मिलती है। उन्होंने जो प्रेम किया वो निश्चल था, निष्कपट था, और वह था शाश्वत प्रेम। तो प्रेम उन्होंने किया है, प्रेम के बारे में कहा नहीं है। और ऐसे ही उनके ढेर सारे कर्म हैं, और उन कर्मों से अगर हम सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं। और उस सीख को जब हम लिपिबद्ध कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं उन्होंने कहा है। भाई उन्होंने इतना कुछ कहा तो है, लेकिन कहने से ज़्यादा वो करने पर विश्वास करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जाइए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, करें ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है, इस बात का आभास आपको होना चाहिए। और अगर जिसने भी भगवान श्री कृष्ण को सही से समझने का प्रयास किया है वो जानते हैं कि कृष्ण कृष्ण थे। उन्होंने कर्म की प्रधानता को इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि कर्म से ही हम महान बनते हैं, हम महान कहने से नहीं बनते हैं। तो किसी का अपमान ना करें, करना है तो प्रेम करें, प्रेम जो कि अनकंडीशनल होनी चाहिए, जो कि शाश्वत होनी चाहिए, और जो निष्कपट होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए। ऐसे प्रेम के पुजारी और ऐसे प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते, हम तो बस प्रेरित होते रहते हैं। तो आप भी प्रेरणा दीजिए और श्री कृष्ण के कर्मों से आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।